पीपल की छांव में लोक कलाकार नारायण सिंह टेकाम कुंडी बोली में बाना गा रहे हैं। गीत के बोलों में गोंड राजा की कहानी है। यह नज़ारा मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले डिंडोरी के मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर एक छोटी पहाड़ी पर बसे गांव पाटनगढ़ का है। पीपल के पेड़ से कुछ दूरी पर हस्तकला भवन की दीवारों पर गोंड शैली में कुछ चित्र बने हुए हैं। गीत में जो कहानी कही जा रही है इन्हीं चित्रों से संबंधित है। कुछ कदम दूर लोक कलाकार जंपी बाई श्याम अपने घर में चित्र बना रही हैं। उनके चित्रों की प्रेरणा बाना गायल से मिली कहानियां हैं। गोंड कला उनके जीवन में काफी बदलाव लाई है। मतलब कलम भी डालक नहीं बनत रहा है। मैं कहीं से अब चूही के लिए पहरा चूही पिलोर माटी गोबर एक हर से ली पहरा बनत भी नहीं रहे कलर का तो कौन सा कलर डालूंगा। तो मैं फिर ओखर से छोटा सी कपड़ा फाड़ के ऐसे रुई बनाया ब्रश पकड़त भी नहीं आता रहा मैं तो मैं ढीगना के काम करूँगी। वहाँ से मैं धीरे 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 अब साथ में मिल के काम करती हूँ। कभी एक ठे सीट हुई 4,000 बाहर के आए गए तो 5,000 में भी चले जाता है। बोल अच्छा लगी खुश लगी इसकी मोर पेंटिंग ऐसे ढीगना बनाया मैं और अच्छा मोर पेंटिंग गई से इस बात में बहुत खुश लगी। भूरी भैंसी के छुआला मारे भी जल भीजे ना लगा। गोंड कला में बिंदु महीन रेखाएं आड़ी तिरछी रेखाओं सहित कई ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती है। पेंटिंग के विषय मुख्यतः प्रकृति के करीब होते हैं और इसमें पेड़ पौधे फूल पक्षी और कई जंगली जानवर शामिल होते हैं। गोंड चित्रकारी में पारंपरिक तौर से प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल होता आया है लेकिन समय के साथ अब काफी बदलाव आ रहे हैं। पहले हम लोगों के जो पूर्वज थे या हमारी महिलाएं थी हमारे आदमी जो लोग भी थे वो मिट्टी का कलर लाते थे घरों में साल भर के लिए रख लेते थे और वो जंगल में जाते थे। एक विशेष जगह होता था उसमें वाइट मिट्टी निकलता था किसी में लाल मिट्टी निकल रहा है किसी में गेरू मिट्टी निकल रहा है किसी में पीला मिट्टी निकलता था किसी में काली मिट्टी निकलती थी। तो इन मिट्टियों को लाते थे और अपने घरों को सजाते रहते थे। अब बहुत सारे हादसाएँ हुए हैं उसमें बहुत सारे कुछ लोग ख़त्म हो गए तो उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। तो अब बंद कर दिया तो वो मिट्टी अब नहीं मिल रहे हैं तो अब वो चीज़ अब बंद हो गया है तो उसको अब यूज भी नहीं करते। तो अब सिर्फ यही अब मार्केट अब इजी हो गया है पूरा शहर टू गांव गांव से शहर हो गया है तो सब लोग शहर से वहाँ भी ले जाते हैं यहाँ भी ले आते हैं तो ऐसा चलता है। लोक कलाकार अपने जीवन में कला को लाने का श्रेय गोंड कलाकार जनगर सिंह श्याम को देते हैं। जनगर सिंह श्याम की मृत्यु 39 वर्ष की आयु में हो गई थी लेकिन उन्होंने कम समय में ही इस कला को देश विदेश तक पहुंचाया। पाटनगढ़ गांव के चौराहे पर जनगर श्याम की याद में उनकी प्रतिमा लगी हुई है। भारत भवन में उस समय हर साल जो है ना एक आर्ट ढूंढने का एक रिवाज था आर्टिस्ट ढूंढने का रिवाज था। आर्टिस्ट ढूंढने के लिए वो अलग अलग जगहों में जाते थे जैसे छत्तीसगढ़ चले जाते थे मंडला जिला जाते थे वैसे हमारे गांव में गए थे। वहां एक दीवार में एक पेंटिंग देखा था उन्होंने जो भारत भवन की टीम थी उन्होंने देखा था जिसमें ग्रीन कलर का हनुमान बना हुआ एक दीवार में पड़ा था मिला था। तो उसको देखने के बाद उन्होंने बोला था कि ये चित्र किसने बनाया तो पता चला कि जनगण सिंह श्याम ने बनाया तो उसको बुलवाया गया और बुलवाने के बाद वहाँ उनको काम कराया गया। काम कराने के बाद फिर उसको वापिस आ गए और उस काम को श्री आदरणीय श्री जगदीश स्वामीनाथन जी को दिखाया गया और उन्होंने देखने के बाद उसको पसंद किया और उस आर्टिस्ट को फिर ले आया गया जैसे जनगण सिंह श्याम को और जनगण सिंह श्याम यहाँ काम करने लगे। जैसा कि आप शुरू में देखेंगे कि जनगण सिंह श्याम का काम जो है ना प्लेन है शुरू में उसमें डिटेलिंग नहीं हुआ करते थे फिर धीरे धीरे उन्होंने डिटेलिंग करना शुरू किया थोड़ा सा डॉट करना शुरू किया डॉट डॉट करना शुरू किया फिर उसको डॉट को सही तरीके से किया फिर थोड़ा सा राउंड करने शुरू किया। फिर आर्टिस्टों के साथ मिलते मिलते या वर्कशॉप में बैठते बैठते उन्होंने जो काम बदलाव किया था वो काम अभी हम देखते हैं उसके बाद फिर हम लोग उसी के साथ काम करना शुरू किए हैं। भोपाल में रहने वाले चित्रकार अखिलेश ने जनगर सिंह श्याम के माध्यम से हो रहे इन बदलावों को कई दशकों से देखा है।
जनगर सिंह श्याम जो है वो एक ऐसा व्यक्ति था जो गौंड समाज में मतलब एक टर्निंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं, जनगर के पहले का गौंड जनजाति जो है और जनगर के बाद की गौंड जनजाति है, इनमें बड़ा फर्क है। और जनगर चूंकि प्रधान गौंड था तो एक संगीतकार था और वो अपने देवी देवताओं को खुश करने के लिए और अनुष्ठानों के वक्त जो भी गीत गाए जाते थे वो सब गाता था और उसमें वर्णित जो भी देवी देवता थे उनकी वो मूर्तियां बनाता था और फिर बाद में वो चित्र बनाने लगा। तो इस तरह से ये जो जनगढ़ का अपना होना है, जनगढ़ के पहले या उसके पहले भी अगर हम देखें, आप मेरे रेलविन की किताबें अगर देखेंगे जो वहीं रहते थे उसी गांव में रहे, उन्होंने एक गौंड स्त्री से विवाह किया और कई साल गुजारे, उनकी तमाम सारे फोटोग्राफ्स हैं उसमें, आपको एक भी गौंड चित्र नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो लोग चित्र नहीं बनाते, उनकी कोई चित्र की परंपरा नहीं थी। तो जनगढ़ ने शुरू किया इसलिए मैं उसको जनगढ़ कलम कहता हूँ और वो एक नई दिशा थी सारी गौंड समुदाय के लिए जिसमें अब बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो जनगढ़ के साथ ये हुआ कि उसका काम इतना आकर्षक था तो स्वामीनाथन के कारण यहाँ हिंदुस्तान भर के गैलरी के लोग और दूसरे जो कलेक्टर्स होते थे वो सब लोग आया करते थे और उसका काम बड़ी तेज़ी से बिकने लगा था। तो ये भी हो रहा था कि उनके गांव में जो भी लड़का जवान होता था तो वो अपने मामा के पास चले आता था, जनगढ़ के पास चला आता था, तो एक तरह से जनगढ़ का स्कूल चलने लगा। वो जनगढ़ खुद ही जब गांव में था तो 10 रुपये रोज़ की मजदूरी करता था वो, और उसमें अगर एक पेंटिंग 1,500 रुपये में बिक रही है तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत बड़ा डिफरेंस है उन लोगों के लिए, और अगर वो 15,000 में बिक रही तो और बड़ा है और 1,00,000 में बिक रही तो और बड़ा है। तो आजकल तो इन लोगों को ये सब कीमत मिलने लगी है, वो मार्केट भी अपनी साख बढ़ाने के लिए कीमत बढ़ाता है। तो इस तरह से मेरे ख्याल से इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा कि वो एक ऐसे मशक्क़त वाले काम से हट करके कुछ ऐसे काम करने लगे जिसमें उनको सम्मान भी मिलता है, जिसमें उनको उनका अपना आत्मसम्मान बचा भी रहता है और एक अच्छी इनकम भी होती है, अच्छा पैसा भी मिलता है। गोंड कला को प्रिंटिंग तकनीक से चुनौतियां मिल रही हैं, कई कलाकारों को उनकी पेंटिंग्स की अच्छी कीमत नहीं मिल रही, लेकिन कलाकारों का मानना है कि जब तक बाना गीतों से उन्हें नए विषय मिलते रहेंगे उनके चित्रों में अनोखापन बचा रहेगा। कमाने लगा रे के कैसे वो तो खेलने लगे राजा।